कैसा लग रहा है आपको? बस ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। टीम एकदम काम पे लग गई है, सब धो धा के साफ कर देगा। और ये तीसरा लड़का आते हुए अपनी बाइक पे सामान ढोते हुए, और ये निचोड़ के पानी निकाल के झाड़ के सुखा के अब धोएंगे। भैया तो कैसा लग रहा है आपको? बस ऐसा लग रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। झूठ मूठ की एक्टिंग मत करो। और इतने सारे स्टिकर्स के साथ आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो मिस्टर पॉल, बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा हमने लगा लिया है, बाइक फुल सेट हो गई है, शीशे भी सेट कर ले रहा है। तो यार चलते हैं अब इस ट्रिप के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, फाइनली अब जा रहे हैं। बिलीव नहीं हो रहा है बट जा रहे हैं। रात के इस वक्त बज रहे हैं 2:30। बहुत लेट हो गया एक्चुअली निकलने में, बट अब और लेट नहीं करना है, अब बस निकल जाना है यार। और ये बाइकर मोटिवेशन देते हुए, इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग रूट में। अब बाकी का रास्ता हमको कवर करना है पूरी रात। तो मिलते हैं आप सबसे कल सुबह। इस वक्त सुबह के कुछ 5:40 हो रहे हैं एंड हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारा रास्ता कवर कर चुके हैं। बट क्या ट्रांजिशन फेज है यार, रात से सुबह हो रही है, सनराइज होने वाला है। तो ये हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, सब लोग बाइक वाइक में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाय वाय पी ली है हम लोगों ने। अब थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल टाइम हो रहा है 6:15। क्या धूप निकली है यार, क्या मस्त अच्छा लग रहा है, और स्काई कितना आई प्लीजिंग लग रहा है। और रास्ता तो भाई साहब क्या ही बोले, धूप देख के तो लग रहा है यार कि दोपहर हो गई है, लेकिन सिर्फ 7 बज रहे हैं यार अभी। और हम लोगों को अब थोड़े थोड़े से पहाड़ दिखना शुरू हो गए, भैया को तो भाई मज़े भी आने शुरू हो गए हैं। तो हमारा तीसरा कैंडिडेट कहाँ गया? ओए अच्छा वो रहे, आ रहे आ रहे आ रहे, वो भी आ जाएंगे। यार बाइक के फ़ायदे तो बहुत है भाई, कुछ भी बोलो। टोल नहीं भरने हैं, ट्रैफिक में नहीं फंस रहे हैं, अब मौसम तो भाई इंजॉय करने को तो मिल ही रहा है यार। लग रहा है थोड़ी लैंडस्लाइड तो हुई है, जगह जगह पे डाइवर्शन से देखते हैं। अरे ऊपर पूरा का पूरा नीचे आ रहा था पहाड़ भाई साहब, हर 10 मीटर पे मिट्टी धंसी पड़ी है, और सब मतलब यहाँ के वर्कर्स ने हटा रखा है, बहुत बुरे हाल है भाई। ये तो स्टार्टिंग हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार हम लोग आ गए थे खाने। अरे भैया भैया बंद है, बंद है भैया, कहाँ जाओगे? हम लोग मुड़ गए थे मैकडी देख करके, लेकिन बंद पड़ा है, अभी खुला ही नहीं है। इतनी जल्दी हम लोग आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं कहीं और खाते हैं, भूख तो लगी है बहुत ज़ोर की। तो यार नाश्ता हमने कर लिया है, जस्ट रोड साइड में एक ढाबा दिखा था छोटा सा, वहाँ खा लिया है। अब बस जल्दी जल्दी भगाना है, बिकॉज जितनी धूप बढ़ती जा रही है हालत ख़राब होती जा रही है, विद ऑल दिस जैकेट्स और ज़्यादा धूप अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि अब यार खुद तो खा पी लिया है, तो थोड़ा बाइक को भी खिला पिला देते हैं, उसको पिलाते हैं पेट्रोल, वो भी पावर वाला। उसके बाद यार फिर से करते हैं यार अपनी राइड कंटिन्यू, और कोशिश करते हैं जहाँ पहुँच रहे हैं जल्द से जल्द पहुँचे,
वैसे यहाँ तक देख करके आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग आ गए हैं अगेन हिमाचल प्रदेश। डेस्टिनेशन तो वैसे टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा। तो हमारे स्पीति सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, आज हमारा है डे वन और हमें आज कवर करना है डेली टू नरकंदा जो कि है अप्रॉक्स 420 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शिमला की तरफ, इसके बाद अपना कुफरी आएगा, फिर थ्योग और उसके बाद नरकंदा। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा देर तक गाड़ी में चलते जाना है, लेकिन सीनरी तो अच्छी है कि नहीं? हाँ यार, बहुत ही अच्छी है, दिल खुश हो जाता है ये देखकर। तो हम लोग पहुँच गए हैं शिमला, क्रॉस कर रहे हैं और ये ट्रैफिक देख के तो वैसे ही पता लग जाता है मुझे तो अब कि शिमला आ गए हैं। इतना रेड फ्लैग आ जाता है इसको देख करके ही कि समझ जाती हूँ मैं। देखते हैं कितना लंबा है। ये रहे भैया लोग, हम काफ़ी पीछे रह गए थे कुफरी के ट्रैफिक की वजह से। जस्ट कुफरी हमने क्रॉस किया है और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक मिला वहाँ पे हमें। तो अभी हम और शायद एक दो घंटे में पहुँच जाएंगे नरकंदा और आगे का व्यू कुछ ऐसा है। और ये हम नरकंदा आ गए हैं, वो सारे एप्पल ट्रीज लगा रखे हैं लोगों ने। तो हम लोग होटल में बैग्स वगैरह रख कर के आ गए हैं और नीचे का व्यू कुछ ऐसा है, कितना सुंदर लग रहा है सब। तो रेस्ट करके हम निकल गए नरकंदा मार्केट की तरफ, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और 8 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है, इसलिए हम अपना खाने पीने का जुगाड़ करने निकल गए हैं। तो हमारे खाने का इंतज़ाम तो हो गया है और मौसम तो देख ही रहे हो भाई कितना बढ़िया हो रखा है। तो अभी जा रहे हैं वापस होटल की तरफ, हम लोग रुके हैं श्याम रेसिडेंसी पे, बहुत अच्छा होटल है, एंड वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड फिर कल सुबह के लिए निकलेंगे। ये रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। सो डे वन हुआ ख़त्म, अभी तो आगे और एडवेंचर बाकी है और मस्ती भी बहुत होगी। सो कीप वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।